आपके घर में जो अंडरग्राउंड टैंक है, उस टैंक में पानी को फिल करने के लिए जो पाइपलाइन इस्तेमाल किया जाता है, उस पाइपलाइन को यदि आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली चालू बंद करना, तो इस प्रकार से पूरा सेटअप आप बना सकते हो। ये जो सेटअप है, इस सेटअप में हमें एक फ्लोट स्विच का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसको हमें पानी के टैंक के अंदर रखना होता है। ये जो फ्लोट स्विच है, ये यदि नीचे की तरफ रहेगा तो इस कंडीशन में जो पाइपलाइन है वो ऑन कंडीशन में रहेगा, मतलब कि पानी फ्लो होता रहेगा। और जैसे ही आपका पानी का टैंक फुल होगा तो तुरंत ही आपका जो पाइपलाइन है वो बंद हो जाएगी, मतलब कि आपका जो नल है वो ऑफ हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीख लेते हैं कि किस प्रकार से हम पानी के पाइपलाइन को ऑटोमेटिकली चालू बंद करेंगे। तो पानी के फ्लो को ऑटोमेटिक चालू बंद करने के लिए आपको 3 इलेक्ट्रिकल डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो पहला इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ये है सोलेनाइड वाल्व। सोलेनाइड वाल्व क्या होता है, यदि आपको नहीं मालूम तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो आपके घरों में पानी का नल होता है, उस नल को आप चालू और बंद करने के लिए मैन्युअली, मतलब कि हाथ से उसका जो नल है उसको ओपन करते हो और बंद करते हो। यदि आप चाहते हो कि आपका जो पानी का नल है, उस नल को इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई प्रोवाइड करके उसको चालू बंद करें, तो इसके लिए आपको इस प्रकार का सोलेनाइड वाल्व इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो मेरे पास में सोलेनाइड वाल्व है, इसमें भी आप देख सकते हो पानी का जो पाइप होता है, उस पाइप को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है। इनकमिंग वाला जो पाइप है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और आउटगोइंग वाला जो पाइप होगा वो यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। अब इसके बीच में जो यहाँ पे ये वाला पोर्शन है, इसको हम कहते हैं सोलेनाइड कॉइल, मतलब कि नल को चालू बंद करने के लिए एक कॉइल का इस्तेमाल किया गया है। ये जो कॉइल है, इस कॉइल में यदि हम पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो पानी के नल को चालू कर देगा, मतलब कि इसको ओपन कर देगा। ओपन करने के बाद पानी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो पानी यहां से आगे बह रहा है, उसको यदि आपको बंद करना है तो सिंपली आपको क्या करना होगा, ये जो कोयले, इसको जो आप पावर सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हो, इसको पावर सप्लाई देना बंद कर दीजिए, ये ऑफ हो जाएगा, मतलब कि पानी आगे फ्लो होना बंद हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो सोलेनाइड वाल्व है, इसको यदि आप बाय करने जाओगे तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पानी का पाइप है, उस पाइप का डाया क्या है। अभी के टाइम पे जो मैं यहाँ पे सोलेनाइड वाल्व इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस सोलेनाइड वाल्व का जो पाइप है वो 1/2 इंची वाली है, तो 1/2 इंची का पाइप मैं डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका यहाँ पर कॉइल है, इस कॉइल को ऑपरेट करने के लिए कितना पावर सप्लाई कनेक्ट करना पड़ेगा। फिलहाल के टाइम पे जो मेरे पास में सोलेनाइड कॉइल है, इस कॉइल का ऑपरेटिंग वोल्टेज 12 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई है। अब ये जो 12 वोल्ट का डीसी पावर सप्लाई है, ये डीसी पावर सप्लाई मुझे एक बैटरी के द्वारा मिलेगा। अभी के टाइम पे मैं यहाँ पर लूम सोलर कंपनी के द्वारा बनाया गया एक बैटरी इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसका आउटपुट वोल्टेज है 12 वोल्ट। ये जो मेरे पास में बैटरी है, ये बैटरी लिथियम आयरन वाली बैटरी है। लिथियम आयरन वाली बैटरी मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये जो बैटरी होता है, इस बैटरी का जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो कॉन्स्टेंट रहती है, मतलब कि हमेशा 12 वोल्ट आउटपुट में हमें मिलेगा जब तक ये फुल्ली डिस्चार्ज ना हो जाए। इसके अलावा इस बैटरी में हमें किसी प्रकार का मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे, जो लेड एसिड वाली बैटरी होती है, उस बैटरी में हमें पानी का टॉपअप करना पड़ता है, लेकिन इस वाले बैटरी में कोई भी पानी का टॉपअप नहीं करना पड़ेगा। लेड एसिड बैटरी जो होती है, उसका लाइफ होता है 3 से 4 साल, लेकिन इस बैटरी का लाइफ है 10 ईयर। और जो लिथियम आयरन बैटरी होती है, इस बैटरी को हम बहुत ही फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे लिथियम आयरन का बैटरी इस्तेमाल कर रहा हूँ। दोस्तों, यदि आप लूम सोलर कंपनी का बैटरी बाय करना चाहती हो तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे क्लिक करके इस बैटरी को आप डायरेक्टली बाय कर सकती हो, ठीक है। तो फिलहाल के टाइम पे जो मेरे पास में बैटरी, ये बैटरी 12 वोल्ट का है और 12 वोल्ट के बैटरी के द्वारा डायरेक्टली मैं इस कॉइल को ऑपरेट करवा सकता हूँ। अब ये जो सोलेनाइड वाल्व है, इस वाल्व को चालू और बंद करने के लिए, मतलब कि इसको कब चालू करना है कब बंद करना है, इसको कंट्रोल करने के लिए मैं एक फ्लोट स्विच का इस्तेमाल करने वाला हूं। फ्लोट स्विच क्या होता है, यदि आपको नहीं मालूम तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। देखिए दोस्तों, ये जो फ्लोट स्विच होता है, इसको हम पानी के टैंक के अंदर रखते हैं। आप चाहें तो इसको ओवरहेड टैंक में या फिर अंडरग्राउंड टैंक में भी इस्तेमाल कर सकती हो। अब यदि आप इस फ्लोट स्विच को पानी के टैंक के अंदर रख दोगे, तो जो आपका पानी का टैंक है, उस टैंक के अंदर जितना पानी होगा, उस पानी के लेवल के अकॉर्डिंग ये फ्लोट स्विच ऊपर और नीचे होगा। यदि ये फ्लोट स्विच ऊपर की तरफ होगा, तो इसके अंदर में जो स्विच लगा होता है, वो स्विच कॉन्टेक्ट को चेंज कर देगा। इसी प्रकार से नीचे की तरफ जाने पर कॉन्टेक्ट को चेंज कर देगा। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि फ्लोट स्विच का इस्तेमाल करके हम पानी के लेवल के अकॉर्डिंग हम किसी भी डिवाइस को चालू बंद कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे, वायरिंग में आप समझ जाओगे, ठीक है।
तो वायरिंग करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि ये जो बैटरी है, इस बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे ब्लैक मार्किंग है, तो ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। तो इस टर्मिनल से एक वायर को लेकर जाना है और जो हमारा सोलेनाइड वाल्व है, इस वाल्व को नेगेटिव पावर सप्लाई डायरेक्टली प्रोवाइड करना होगा। तो मैं यहां पे एक ब्लैक वायर का इस्तेमाल कर लेता हूं। ये जो वायर है, इस वायर का जो एक सिरा है, इसके साथ मैंने कनेक्टर को कनेक्ट कर दिया हूं। अब इस कनेक्टर को ले जाके डायरेक्टली बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है, इसके साथ इसको कनेक्ट कर दूंगा। मैं यहां पे इसको कनेक्ट कर दिया। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है, इसको ले जाके सोलेनाइड वाल्व का जो एक टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर दूंगा इस प्रकार से। अब इस बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ एक वायर को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। इस वायर को मैंने यहां पर कनेक्ट कर दिया। अब इस वायर से जो पावर सप्लाई जाएगा, इसको ले जाके मैं डायरेक्टली यदि सोलेनाइड वाल्व को प्रोवाइड कर दूं, तो सोलेनाइड वाल्व मेरा ऑन हो जाएगा। जैसे मैं इस वायर को इस टर्मिनल पे कनेक्ट करूंगा, आप सुनिएगा, थोड़ा सा आपको खट से आवाज सुनाई देगा। तो हमें इस वायर को इसी पॉइंट पे कनेक्ट करना है, लेकिन बीच में हमें फ्लोट स्विच को भी कनेक्ट करना है। तो इस वायर से जो पावर सप्लाई जाएगा, वो जाएगा हमारे फ्लोट स्विच के लिए। तो फ्लोट स्विच को जो पावर सप्लाई जाएगा, उसके लिए हमारे पास में तीन वायर है, मतलब कि इस फ्लोट स्विच के साथ में तीन वायर आता है। अब इन तीनों वायर में से कौन से वायर के साथ आपको इस वायर को कनेक्ट करना है, इसको आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। फाइंड आउट करने के लिए आपको मल्टीमीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप चाहें तो टेस्ट लैंप के द्वारा भी इसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। मैं आपको मल्टीमीटर के द्वारा बता देता हूं। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पोजीशन पे सेलेक्ट करना होगा। कंटिन्यूटी पोजीशन पे सेलेक्ट करने के बाद मल्टीमीटर के प्रोब को यदि मैं टच करूं, तो बीप का साउंड यहां पे सुनाई देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि जो यहां पे फ्लोट स्विच है, इस फ्लोट स्विच का जो वायर है, इन तीनों वायर में से हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि जो मेरा फ्लोट स्विच है, इस फ्लोट स्विच को यदि मैं नीचे की तरफ रखता हूं, तो किस में मुझे कंटिन्यूटी मिलता है। चेक करने के लिए मैं क्या करता हूं कि मल्टीमीटर के प्रोब को दो वायर के साथ कनेक्ट कर देता हूं। मैं यहां पे ब्लू वायर और ब्राउन वायर के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद फ्लोट स्विच को सबसे पहले नीचे की तरफ करूंगा, कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है। ऊपर की तरफ करने पे कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, तो इन दोनों वायर का इस्तेमाल नहीं करना होगा। ये जो ब्राउन वायर है, इसको हटाता हूं मैं और येलो वायर के साथ कंटिन्यूटी चेक करता हूं। अभी के टाइम पे ब्लू वायर और येलो वायर के बीच में कंटिन्यूटी को मैं चेक कर रहा हूं। ठीक है, तो इसको मैं ऊपर की तरफ करता हूं, कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है। नीचे की तरफ करने पे कंटिन्यूटी आ गया, आप देख सकते हैं, ऊपर की तरफ करने पे कंटिन्यूटी चला गया। मतलब कि मुझे यहां पर ब्लू वायर और येलो वायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों वायर में से किसी भी एक वायर के साथ मैं चाहूं तो ये जो बैटरी का वायर है, मतलब कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो पावर सप्लाई आ रहा है, इस पावर सप्लाई को ले जाके इन दोनों वायर में से किसी भी वायर के साथ कनेक्ट कर सकता हूं। मैं क्या करता हूं कि ये जो येलो वायर है, इसी वायर के साथ डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर देता हूं। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास में मल्टीमीटर नहीं है, तो भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपको सिंपली इस फ्लोट स्विच के साथ में येलो वायर और ब्लू वायर का इस्तेमाल करना है। जो आपका ब्राउन वायर है, इसको आप कट कर दीजिएगा। मैं यहां पर इसको कट कर देता हूं, और कट करने के बाद इसको आप टेप लगा दीजिएगा। बाद में लगा दूंगा, आपको यहाँ पे टेप लगाना है, नहीं तो इसमें भी करंट आ सकता है। ठीक है, अब ये जो ब्लू वायर है, इस वायर को ले जाके सोलेनाइड वाल्व का जो दूसरा टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर दूंगा। इसको कनेक्ट करने के बाद जो मेरा फ्लोट स्विच है, इसके द्वारा सोलेनाइड वाल्व ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे ऑपरेट होगा, इसको मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि ये जो सोलेनाइड वाल्व है, इसके साथ मैं पाइपलाइन को कनेक्ट कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको चालू बंद करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो फ्लोट स्विच सोलेनाइड वाल्व का कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे, मैंने आपको पूरा बता दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जो पाइपलाइन है, इसको मैंने यहाँ पे इस नल के साथ में कनेक्ट कर दिया हूँ। अभी के टाइम पे आप ये मानिए कि ये जो नल है, ये मेरा गवर्नमेंट वाली पानी सप्लाई जो आती है, उसका नल है। ठीक है, अब इस नल के द्वारा जो मेरा अंडरग्राउंड टैंक है, इसको फिल किया जाता है। अब ये जो फ्लोट स्विच है, इसको मुझे इस टैंक के अंदर में रखना होगा, जिससे कि ये फ्लोट स्विच पानी के लेवल के अकॉर्डिंग वर्क करे। अब मान लीजिए कि आपका जो टैंक है, इस टैंक के अंदर पानी का लेवल कम है। पानी का लेवल कम होने पे जो आपका पाइपलाइन है, वो पाइपलाइन चालू हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे पानी फ्लो हो रहा है। अब यदि आपका टैंक फुल हो जाता है, तो ये फ्लोट स्विच ऊपर की तरफ जाएगा, और जैसे ही फ्लोट स्विच ऊपर की तरफ जाएगा, आप देख सकते हो पानी का फ्लो आना बंद हो गया। मतलब कि ये जो फ्लोट स्विच है, इसके द्वारा जो आपका पानी का पाइपलाइन है, इसको आप चालू और बंद कर सकते हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे चालू हो गया, और इसको ऊपर की तरफ करने पे ऑफ हो गया। तो ऑटोमेटिकली पानी के फ्लो को चालू और बंद करने के लिए इस प्रकार से पूरा सेटअप बना के आपके घर में इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।